बेटा आज का हमारा टॉपिक बाबुल मकदूम क़याम पाकिस्तान, इसमें से आज हम शिमला कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब हुआ? 1945 में। कब हुआ बेटा? 1945 में। ठीक है, क्रिक्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपना इख्तदार खत्म कर दे। ठीक है बेटा, फिर सुने, क्रिक्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपना इख्तदार खत्म कर दे और इख्तियारात अक्सरियती जमात को मुंतकिल कर दे। गांधी ने सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीकों का आगाज कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अगला सवाल है कि गांधी की तहरीकों के नाम लिखें या क्रिक्स मिशन की नाकामी के बाद गांधी ने कौन सी तहरीकों का आगाज किया। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दो तहरीकें, सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो। ये भी आता है कि गांधी की तहरीकों का नाम लिखें, तो इसके जवाब में यही आएगा कि सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो। तहरीकों का आगाज कर दिया और आवाम से कहा कि वो अदालतों और दफ्तरों का बहिष्कार करें। ठीक है, तहरीकों का आगाज के साथ साथ सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो, तहरीकों के आगाज के साथ साथ आवाम से मुतालबा किया कि वो अदालतों और दफ्तरों का बहिष्कार कर दें, जलसों और जुलूसों के जरिए कुव्वत का जबरदस्त मुजाहरा किया। ठीक है बेटा जी, जंग का पासा बरतानिया और उसके इतिहादियों के हाथ में पलटने लगा, यानी बरतानिया और उसके इतिहादी जीतने लगे जंग, तो बदलते हुए हालात को देखकर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना चाहा, अपने दबाव को बढ़ाना चाहा। गांधी ने कैद आजम को मुश्तरका जदोजहद में शामिल होने की दावत दी, मुश्तरका जदोजहद में शामिल होने की दावत दी, लेकिन वो यानी कैद आजम रहमतुल्लाह ऐसे जाल में फंसने वाले नहीं थे जी। कैद आजम ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा और किसी फार्मूले पर गौर करने से इनकार कर दिया, यानी वो चाहते थे कि बस पाकिस्तान बना दिया जाए, सबसे पहले ये, बाकी बातें बाद में, बाकी बातें जो हैं बाद में होंगी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे इतिहाद और फार्मूले हैं वो बाद में हम करते रहेंगे, लेकिन पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले हम पाकिस्तान की तख्लीक वाला काम करेंगे। तो ठीक है बेटा, लॉर्ड वाले हिंदुस्तान में बरतानी वैस रहा था, लॉर्ड वाले हिंदुस्तान में बरतानी वैस रहा था। ठीक है, उसने बने सवेर के मसायल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि मुस्तकबिल के आइन, हुकूमत की तशकील और असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक बुनियादी फैसले किए जाएँ, असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक बुनियादी फैसले किए जाएँ। ठीक है बेटा, वेवर प्लान में दर्ज है निकात शामिल थे, ठीक है, जो उन्होंने ये प्लान बुलाया। ठीक है बेटा, कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें ये दर्ज है जो है वो निकात शामिल थे। नंबर एक, मुस्तकबिल का दस्तूर बर सगीर की तमाम सियासी कुव्वतों की मर्जी से बनाया जाएगा, यानी तमाम सियासी जमातों की मर्जी से बनाया जाएगा। नंबर दो, गवर्नर जनरल की इंतजामी काउंसिल बनाई जाएगी और काउंसिल में बर सगीर की सियासी कुव्वतों के नुमाइंदे शरीक होंगे, नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे, उनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। नंबर तीन, गवर्नर जनरल अपनी इंतजामी काउंसिल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान काउंसिल का ताल्लुक बर सगीर से होगा, अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल खुद करेगा। ठीक है बेटा, चौथा नुकता जो था इसके मुताबिक बेटा ये था कि मरकज में इंतजामी काउंसिल को तश्कील देने के बाद, मरकज में इंतजामी काउंसिल को तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतजामी काउंसिलें मुनसब की जाएंगी, इंतजामी काउंसिलें मुनसब की जाएंगी। तो ये था बेटा वेवल प्लान, क्या वेवल प्लान के नुकात। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात तवज्जो से सुन ले बेटा, ये जो मैंने आपके सामने वेवल प्लान के नुकात रिपीट किए हैं, पढ़े हैं बेटा, ये हमारा एक्सरसाइज का सवाल नंबर 7 है, मशकी सवाल नंबर 7, मुख्तसर मशकी सवाल नंबर 7 है। ठीक है, कि विवर प्लान के कोई से 3 नुकात तहरीर करें, ये सवाल है बेटा, विवर प्लान के कोई से 3 नुकात तहरीर करें। ठीक है, तो ये 4 दिए हुए हैं,
पहला दूसरा और चौथा आसान है बेटा, तो ये तीन कर लें, ठीक है। इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको ये होमवर्क में शामिल है बेटा, इसको करेंगे आप, याद भी करेंगे लिखेंगे भी। तो आगे चलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकार, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकार। विवन प्लान पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान को 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद और बलदेव सिंह, मुस्लिम लीग की तरफ से कैद आजम, लियाकत अली खान और सरदार अकबर निश्तर, तमाम सूबों के वज़ीर आला और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए, ठीक है बेटा। बड़ी तवक्कुआत के साथ तमाम मंदूबीन, यानी जिनको बुलाया गया था, जिनको दावत दी गई थी, ने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कांग्रेस खुश थी कि उसे हुकूमत साजी का मौका मिलने वाला था, अलबत्त उसने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही वजाहत कर दी थी, ठीक है बेटा। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही वजाहत कर दी थी कि बर ज़मीन की तकसीम के किसी फार्मूले के हक में नहीं, किसी फार्मूले को नहीं मानेंगे, उसके हक में नहीं है। वायसराय की डिफेंस काउंसिल पर गुफ्तगू का आगाज हुआ तो पांच मुसलमान अरकान की नामजदगी का मसला दरपेश हुआ। कैद आजम ने मौके इख्तियार किया कि पांचों मुसलमान अरकान को मुस्लिम लीग नामजद करेगी। कांग्रेस चाहती थी कि एक मुसलमान नशीत उसे मिले, चार जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब करे और एक जो है वो कांग्रेस उसका इंतखाब करे। तो उस पर अबुल कलाम आजाद का तकरर हुआ, कैद आजम डट गए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मानते थे, मनवाना चाहते थे, मानते थे। वायसराय ने अबुल कलाम आजाद के बजाय पंजाब के वजीर आला और यूनियनिस्ट पार्टी के सरबरा मलिक खिजर यार की नामजदगी पर कैद आजम को राजी करना चाहा, लेकिन वो अपने मौके पर कायम रहे। वो चाहते थे कि हुकूमत और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का हकदार मान लें। तीनों फरीक मुतफिक ना हो सकी और शिमला कॉन्फ्रेंस कोई नतीजे अखज किए बगैर खत्म हो गई, ठीक है बेटा जी। कैद आजम ने कहा कि शिमला कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाले और प्लान दरअसल वायसराय और गांधी का फैलाया हुआ मुस्तक का जाल था, अगर मुस्लिम लीग मंसूबे को कबूल कर लेती तो उसे पाकिस्तान के उसूल में कभी कामयाबी ना होती। बज़ाहिर नतीजे निकाला जा सकता है कि कैद आजम का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि आने वाले साल में होने वाले इंतखाबात 1945 के आखिर दिसंबर और जनवरी 1946 के नतीजे ने साबित कर दिया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ थे। उन्होंने कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग मुस्लिम मजहबी जमातों को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग को वोट देकर अपनी नुमाइंदगी का इख्तियार दे दिया। इंतखाबी नतीजे ने पाकिस्तान कैद आजम की फिरासत और उनके मौकिफ की सदाकत का सबूत फराहम किया। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, इसलिए हमारा होमवर्क आज का ये है कि एक्सरसाइज का सवाल मशीन सवाल नंबर 7 विवन प्लान के कोई से तीन नुकात बेटा पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए थे, एक बार फिर सुन लें। विवन प्लान के नुकात मुस्तकबिल के रसूख बरसवीर की तमाम सियासी कुवतों की मदद से बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा गवर्नर जनरल की इंतजामी काउंसिल बनाई जाएगी और काउंसिल में बरसवीर की सियासी कुवतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे जिनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान। इसमें बेटा हमें जो करना है कम से तीन नुकात पूछे गए तो हमने तीसरा छोड़ के चौथा करना है। बरसवीर में इंतजामी काउंसिल तश्कील देने के बाद सूबे में भी इंतजामी काउंसिल मुनजम की जाएगी, ठीक है बेटा। और हमारे दो एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है, इजाफी सवाल नंबर 1 शिमला कॉन्फ्रेंस में शरीक कांग्रेस के रहनुमा, ये पेज भी पेज नंबर 27 पर है बेटा जी, मैंने लिख दिया इसको नोट कर लेंगे आप, पंडित नेहरू, ठीक है बेटा, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद और बलदेव सिंह। और सवाल नंबर 2 इजाफी सवाल नंबर 2 गांधी की तहरीकों के नाम, ये पेज नंबर 26 पर है बेटा जी, सिविल नाफरमान और हिंदुस्तान छोड़। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जो मुकम्मल हुआ, इसमें अगर कोई बात रह गई तो बेटा रब्ता करके पूछ सकते हैं। होमवर्क करना ना भूलें, अल्लाह आपको और हमारा हमें नसीब करे।